आटा इन्होंने गूंदा है और अभी जो है ये लगा रही है नमक मिर्च। क्या बनाएंगी? तीन चार बन जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुबीना बीबी। रुबीना बीबी, रुबीना बीबी कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, शुक्र है। क्या परेशानी है आपको? बाजी, हमारे चार पहिया भी नहीं है और हमारे घर में पानी का कूलर भी नहीं है। हाँ जी। और हमारे घर में जो खाने पीने का वो बंदोबस्त है वो भी नहीं है, पूरा सुरा होता है। चार बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, वो रहने के लिए यहाँ जानी है तो कभी नानी के घर कभी मेरे पास। दिन से बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे नहीं रखे जाते। अब हम लेने जाएंगे बच्चों को शाम से। एक चार पहिए, दो बच्चे ऊपर सोते हैं, कभी नीचे से कभी ऊपर से उनके सो जाते हैं हम लोग। मियां क्या करते हैं आपकी? बस ये मेहनत मजदूरी। कहाँ रहते थे आप? हम लोग रहीम यार खां रहते थे। रहीम यार खां से बेटा यहाँ बहावलपुर में क्यों आए हो आप? बाजी रोजी के लिए आए थे हम लोग। अच्छा, तो फिर यहाँ पे काम लग गया है? नहीं बाजी, बस कभी लगता है कभी नहीं लगता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी लून मिर्चों से खा लेते हैं, कभी सालन बन जाते हैं तो कभी सालन बन जाते हैं। जी बाजी बन जाते हैं। कहाँ है आपके वालदन? कहाँ है जहाँ पे बच्चों को छोड़ के आती है? हमारे यहाँ पे घर है वालदन का। अच्छा, छह चक में रहते हैं मेरे। छह चक में वालदन रहती है तो आपको साथ नहीं रखते वो? उनकी अपनी जगह है, मेरे माशाल्लाह नौ बहने हैं और वो आप भी रहते हैं हम। अच्छा। लोग जी बाजी, हम लोग फैमिली बहुत बड़ी है हम लोगों की भी। अच्छा। वो हमारे साथ, फिर हमारे बहनों हैं, मियाँ होता है मेरे साथ में बैठने के लिए। कैसे बंदा एकों के साथ वैसे गुजारा नहीं होता, मैं एक साथ होता है गुजारा। हाँ, अच्छा, इसीलिए हम लोग ने लैदा कपास चुनती। अपना घर था? नहीं बाजी, किराए पे था। किराए पे था जी। तो यहाँ खुले आसमान के नीचे आ गए हैं अब। जी बाजी, यहाँ पे किराया नहीं भरा जाता, निके निके बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। हाँ। और किराया भरे हैं, बिजली का बिल भरे हैं, काफी और दिनों खाना से हमारी बहन, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ इस इलाके में किसी की मदद करने के लिए तो ये आती है मुझे बुलाने के लिए। जी बाजी, मैं कितने दिन हो गए यहाँ पे रहते? हमें महीना एक हो गया, एक महीने से पूरा हो गया यहाँ पे रहते। जी जी, लेकिन हमारे पास कितनी फैमिलियां रहती हैं यहाँ पे? तीन रहती हैं। तीन रहती हैं? तीन रहती हैं और एक छोटा सा आपने छपरा सा बनाया हुआ है। जी जी, हर कोई रात से चला जाता है और जरी सी इतनी सी जगह है। हाँ। वहाँ पे निके निके बच्चे हमारे भी बैठते हैं, उन लोगों के भी बैठते हैं। अच्छा, तो रात को कहाँ जाते हैं? रात को यहाँ पर कोई उस टीवी पे, किसी उस टीवी पे रहते हैं, किसी टाइम इस टाइम, किसी उधर। ऐसे रात से मच्छर बहुत होते हैं, हमें मच्छर भी बहुत काटते हैं। मच्छर काटते हैं, जहरी बहुत है। ऐसे क्या करें, ऐसे जंगल में बैठोगे तो जंगल है, काटेंगे। हमारे पास इतना नहीं है, मैं इस तरह की आ रही है, अपनी जगह बनाऊं जहाँ कुछ इतना कर शुरू से मियां मेहनत मजदूरी करते हैं। जी बाजी, शुरू से ही मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं भी करती हूँ उसके साथ। अब तो मोरे को मसला, अब तो मैं कर भी नहीं सकती। ये कपास चुन लेती हूँ, कणक का काम भी। आज गए थे कपास चुनने? नहीं आज नहीं गए थे। अच्छा, मेरे बेटा निक्के की तबीयत ठीक नहीं थी, वो छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी दवाई ले गए। जी, यहाँ पे जितनी भी फैमिलियाँ हैं इनके पास वाशरूम का भी इंतजाम नहीं है, ना इनके नल का है बाजी हमारे ना पास, इनके पास वाशरूम है ना वाशरूम। तो ये ना जो है, अभी मुझे एक लेडीज पीछे मिली हैं तो वो बता रही थी कि यहाँ पे एक दो वाशरूम आप बनवा दें, क्योंकि आबादी ज्यादा हो गई है तो वाशरूम नहीं है, हमारे लिए मसला बनता है। और ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि जब वाशरूम ना हो और लेडीज को इसी तरह खुले आम जाना पड़े तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो मेरी कोशिश है कि दो तीन यहाँ पे वॉशरूम बन जाएं, पानी की जगह खुले में बन जाएं, ताकि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सारे मिलजुल के इस्तेमाल करें। जी बाजी, तो फिर बस इस तरह ये है मेरा घर हो जाएगा। ये किचन है आपका? जी बाजी, ये दिखाएं किचन, दिखाएं। इन कैनों में पानी ले आते हैं और इन कैनों में पानी पीते हैं हम लोग। कैनों में पानी भर के लाती हैं? जी बाजी। अच्छा, मेरा तो सांस फूल गया वहाँ से आते आते, काफ़ी दूर से ये गई हैं, हमें बुला के लेके आई हैं। ये इनका किचन है और वो बर्तन है। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने बर्तन साफ़ सुथरे रखे हुए हैं, डब्बे वगैरह भी बड़े साफ़ सुथरे और क्लीन हैं, इस चीज़ की खुशी हुई है देख के। ये क्या बांधा हुआ है? बाजी ये कपड़े हैं और वो खाने पीने के बर्तन वहाँ से रख देती हूँ। वो खाने पीने के बर्तन हैं और ये कपड़े हैं, ऐसे ही है। अच्छा, फिलहाल आपके पास कितनी चारपाइयां हैं? मेरे पास एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। तो फिर कैसे सोते हो अगर एक भी चारपाई नहीं है तो? यहाँ पे इन लोगों की उठा लेती हूँ, फिर सुबह वो आते हैं ले जाते हैं। अच्छा जी बाजी, रात को उनकी उठा लेती हूँ, सुबह वो आते हैं ले जाती हैं। जी, ऐसे ले ही है? जाते हैं जी बाजी। सबसे ज्यादा परेशानी चारपाइयों की है? जी बाजी, पानी की और है? पानी की और चारपाइयों, पानी और चारपाई की। जी, कूलर का, कूलर पानी वाला कूलर दूं? जी बाजी, और चारपाइयां दूं? ये छपरा सा डाला हुआ है
धूप से तो चलो ये बच जाती हैं, लेकिन खेमा भी यही काम करता है और छपरा भी यही काम करता है। नहीं, ये शाम को भी धूप देता है। चलो खेमा होता ना, वो धूप इतनी नहीं देता। इधर से आई धूप तो हमें लगती है, इधर से आई तो हमें धूप लगती है। बस एक चारपाई का इंतजाम होता है, बस एक चारपाई का। जी बाजी, जी बाजी, ये मेंढक बोल रहे हैं? नहीं बाजी, ये बटेरे बोल रहे हैं। बटेरे बोल रहे हैं? जी बाजी, शिकारी होते हैं ना वो, बटेरे बोलते हैं और फिर उनको पकड़ते हैं बटेरे। अच्छा, अभी ये बटेरों की आवाज आ रही जी है? जी बाजी, खुले फिर रहे हैं? नहीं, वो चला रहे हैं अभी, कैसेट चल रही है, उसके बाद वो आएंगे। अच्छा, उनको पकड़ेंगे फिर। अच्छा, ये जाली लगा के कावा लगाया हुआ है बटेरों को पकड़ने के लिए, लगाई हुई है। हाँ जी, बटेरे सुनेंगे जी, वो आएंगे फिर वो उनको पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये क्या लगता है आपका? ये मेरा मसात है, कजन है। कजन है आपका? आपके चार बच्चे किधर हैं? मेरे नानी के घर है। चार नानी के घर गई हुई है। ये इनका किचन है और ये छपरा है, ये कुलकैनात है इनकी। सूरज जो है तकरीबन गुरूब होने वाला है जी बाजी। और मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी आपके। हाँ, बच्चों को दुआ करेंगे, की नमाज पढ़ के दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक बेहतर सबब पैदा करेगा इंशाल्लाह। मैं आऊंगी दोबारा। ये इतना थोड़ा सा आटा गूंदने लगी है आज? बना क्या रही हैं? कुछ भी नहीं, लून मिर्च वाली रोटी। नमक मिर्च वाली रोटी बनाओगे? जी बाजी। डेली इसी तरह बनाते हो या कोई सब्जी वगैरह बन जाती है? कभी-कभी बन जाती है, कभी-कभी। अच्छा, अब आटा गूंद के इसमें क्या करोगे? आटा गूंद के इसमें नमक और मिर्च डाल के थोड़ा सा घी डाल के। आटा गूंदने के बाद नून मिर्च इसके इस ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डाल के छोटी छोटी टिकनियाँ बना के उसके ऊपर रख के फिर बदा के ऊपर तवे पे डाल देंगे। अच्छा जी बाजी, और फिर इस तरह खा लेंगे? जी। मियाँ कितने बजे आता है शाम को? कभी कभी आ जाता है 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। अच्छा, तो क्या लगता है आज वो सब्जी नहीं लेके आएगा? नहीं, पहले ही आपने कहा हुआ है उनको नमक मिर्च वाली रोटी बना लेंगे। जी बाजी। ठीक है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। आ जाएं बैठें। गाड़ी यहाँ से बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर ठहरी हुई है, जहाँ से सामान लेके आते आते हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी चार पाइयाँ यहाँ पे पहुँचाई हैं, अभी बच्चा गया हुआ है राशन लेने के लिए, जिसको आते आते भी तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये नीचे देखें आप सारी रेत है और गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर फंस जाती हैं और फिर धक्के मार मार के भी नहीं निकलती, तो बहुत मुश्किल है ऐसी जगहों तक पहुंचना। लेकिन मेरे अल्लाह का करम है कि जिसके नसीब का रिज्क होता है उन तक पहुंच जाता है। जी बेशक। हाँ जी, बेशक, मेहरबानी आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। हम लोग बाजी बहुत परेशान थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो आपके बच्चों की खैर हो, आपके घर वाले की, आपके भी, आपको अल्लाह हज कराए। आमीन सुमा आमीन। दो महीने तो हो गए इधर बैठे हुए, 5,000-6,000 किराए रखे तो 10,000 बच गया। अभी मुश्किल है, आसानी आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें आटा इन्होंने गूंदा है और अभी जो है ये लगा रही है नमक मिर्च। नमक मिर्च लगा के और माशाल्लाह इतने मैंने बर्तन साफ सुथरे रखे हुए हैं कि मुझे रश आ रहा है देख के। कितनी रोटियां बनाएंगी? 3-4 बन जाएंगे इनके। 3-4 बन जाएंगे जी। चलिए, आपके लिए कूलर भी आ गया है। बड़ी बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। सदमा चचा है, माचस पागल।
माँ चचा है हाँ। चले जी, ये आपके लिए राशन है, कूलर है और ये आपके लिए सूट है, ठीक है। अच्छा सा खाना बना के खाएं, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आमीन। आप लोगों की भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये लें बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह पाक बरकत डाले। ये हमारी बहन देखें आप किस तरह आटा गूंध के ऊपर वो ये नमक मर्च लगा के रोटी बना के खा रही हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में रिस्क में बरकतें अता फरमाए। जो दिहाड़ीदार बेचारा मजदूर बंदा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनके घर का अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होते। इनको आटा भी डेली लेके आना पड़ता है, घी भी डेली लेके आना पड़ता है। अब इनके लिए ये कूलर लेना भी बहुत मुश्किल था कि जिसमें ये अपना पानी भर के रख सकें। ये कैनों में पानी भर के इन्होंने रखा हुआ था जहाँ से ये पानी पीती थी। तो इनको सबसे ज़्यादा परेशानी जो थी वो चारपाइयों और पानी वाली कूलर की थी। इनको अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह पाक ने इनके हिस्से में, इनके नसीब में राशन भी लिखा हुआ है। खुश हैं आप? जी बाजी, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने दुआ करनी है जिस फैमिली की तरफ से आपकी मदद की गई है, अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह के हवाले। मेरे बहुत ही प्यारे से भाईजान हैं दिलावर फैमिली, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनकी पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, ढेर सारी खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नलका जो है वो लग चुका है। यहाँ पे नलके की ज़रूरत थी, नलका भी लग गया है। खुरा भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बन गया है, बड़ा सारा खुरा है। आसानी के साथ बर्तन कपड़े धोए जा सकते हैं। और ये जो नलका लगवाया गया है ये आप देख सकते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे से भाई हैं हाजी अनवर ज़ेब मरहूम यूके से। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये जो वाटर पंप है ये 1008 नंबर है इसका। आओ मदद करें प्रोग्राम सदका जारिया। हाजी अनवर ज़ेब मरहूम यूके से, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये सदका जारिया अल्लाह पाक कबूल करे। पानी लगवा के देना बहुत बड़ी नेकी है, अल्लाह ताला कबूल करे। और ये मीठा पानी है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से जितने भी लोग पानी भरेंगे। सड़क है, यहाँ से मुसाफिर भी पानी भर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।